नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। आज यूपी लेखपाल की जो न्यू वैकेंसी 2020 में आने वाली है, जिसकी संख्या 5200 होगी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या होगा और किस पैटर्न से आपको तैयारी करनी है, जिससे कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। सबसे पहला तो यही है कि आपको पहले हम ये न्यूज़ दिखा देते हैं कि जो अखबार में आई है, हिंदुस्तान का एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ कि 5200 लेखपालों की भर्ती होने वाली है। ठीक है, और ये होगी कब? लॉकडाउन के तुरंत बाद इसका विज्ञापन आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आयोग के मुताबिक उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाने शुरू कर दिए जाएंगे, उसके बाद आयोग जो है भर्ती परीक्षा कराएगा। ठीक है, अभी तक ये एक साल से वैकेंसी आने वाली ही थी, हर बार होता था, लेकिन ये आई क्यों नहीं थी? क्योंकि राजस्व परिषद और यूपी ट्रिपल एससी, जिसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है, उनके बीच में विवाद बना हुआ था कि इस भर्ती को कराएगा कौन। तो ये विवाद अब सुलझ गया है, या कहते हैं निपट गया है। राजस्व परिषद ने आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है, यानी अब इसमें कोई टकराव की बात नहीं है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका एग्ज़ाम कराएगा, लेकिन अभी तक के जो एग्ज़ाम होते थे वो राजस्व परिषद के द्वारा कराए जाते थे। तो इसके कुछ सिलेबस को हम देख लेते हैं क्या है। सिलेबस जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम इस सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, पिछली बार क्या हुआ था, 80 क्वेश्चन आए थे और 20 नंबर का इंटरव्यू था। और इस बार क्या है, इंटरव्यू ख़त्म है तो 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनमें जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि 25 मार्क्स के होंगे, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स के हो सकते हैं, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि 25 नंबर के होंगे। उसके बाद विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ग्राम समाज और विकास के 25 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि 25 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, ये होगा। इसके साथ साथ एक स्किल टेस्ट भी इसमें शायद जोड़ा जाएगा, ऐसा इस न्यूज़ में लिखा हुआ है। और ये एग्ज़ाम जो है वो 90 मिनट का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 घंटे 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में करने के लिए प्रैक्टिस अपनी बना लेते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन जो हैं वो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए पर्याप्त होंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस सिलेबस में हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है। देखो, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको क्या करना होगा, ब्लेज डेवलपमेंट की जो हमारी इसमें जो पोर्शन दिया हुआ है ब्लेज डेवलपमेंट का, इस पर फोकस करना होगा। क्योंकि देखो, मैथ और जनरल हिंदी और जीके लगभग सभी ने पढ़ी हुई है, और सभी का जो लगभग ऑलमोस्ट 60-70% स्कोर रहता है, लेकिन ब्लेज डेवलपमेंट पर जो फोकस करेगा उसको इस एग्ज़ाम में वेटेज करनी, उसको एडवांटेज मिल जाएगा। और ब्लेज डेवलपमेंट को तैयार करना भी आसान है, आप 15-20 दिन में इसको कवर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं आपको इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि अगर कितने लोग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद के थ्रू। और अगर ये कमेंट बॉक्स में जो कमेंट संख्या है 200 के लगभग होती है, तो लेखपाल की जो वीडियो हैं सभी पूरा सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा कम्प्लीट कराया जाएगा विद इन 2 मंथ्स, और बिल्कुल एजुकेटेड टीम के द्वारा इसको पूरा कराया जाएगा, जो कि UPPCS और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके द्वारा इस सिलेबस को पूरा कराया जाएगा। इसीलिए आप लोग, अगर कमेंट बॉक्स में, मैंने क्या बताया, कमेंट बॉक्स में अगर 200 कमेंट होते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा YouTube प्रोग्राम चलाया जा सकता है। बस कमेंट की संख्या आपको याद रखनी है 200। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद के थ्रू इस लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का एक साथ दिया जा सके। कहते नहीं कि साथ देना किसी का, मेंटर का, वही आपको आगे ले जाता है। तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि 200 कमेंट को आपको फोकस करना है, और जो भी लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सिलेबस के साथ और कैसे इसकी तैयारी करनी है पूरी रणनीति के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।